आज की वीडियो में हम बातें करेंगे हेयर के रूटीन का मंथली एक्सपेंस कितना आता है, बिकॉज ये एस्पेक्ट्स भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बंदे जिनका हेयर फॉल स्टार्ट होता है उनकी एज होती है अराउंड 18 से 30 साल के बीच ही, और ये एज में नो डाउट इन इट मनी मैटर्स अलॉट, और टू सम एक्सटेंट ये पर्टिकुलर एज में हम डिपेंडेंट भी रहते हैं अगर हमारे पास जॉब नहीं है, तो हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं हमारे पेरेंट्स में ये एक्सपेंस को भी बियर करने के लिए। तो भाई लोग आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखें। आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा मंथली एक्सपेंसेस हेयर केयर रूटीन का। नमस्कार भाई लोग, बहुत 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 स्वागत है आपके अपने शो स्टॉप हेयर फॉल सून में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हेयर केयर रूटीन के एक्सपेंस में आता है मिनोक्सिडाइल, जो बंदे 1 ml लगा रहे हैं स्टार्ट करने के टाइम पे भी, अगर 5% ले रहे हैं तो कोई भी अच्छा मिनोक्सिडाइल का ब्रांड की कीमत होती ही है अराउंड 600 एंड अबव। तो हम लोग मोटा मोटा अगर 600 भी पकड़ते हैं और 1 ml अ डे लगाते हैं तो 2 महीना मिनोक्सिडाइल कैसे भी चल ही जाएगा, बिकॉज 1 ml लगा रहे हैं, 30 ml पर मंथ 60 ml की बॉटल आती है तो वो 2 महीने ही चल जाती है। मंथली वाइज देखें तो मिनोक्सिडाइल का खर्चा 300 पर मंथ आता है। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं मल्टीविटामिन जिसका नाम है फॉलिएट टैबलेट, अगर वो भी ले रहे हैं मंथली तो अराउंड फॉलिएट टैबलेट ही ऑनलाइन देखेंगे 1 mg से तो ईजिली 450 rupees की मिल जाती है, तो 30 tablet उसमें आती हैं जिसकी कॉस्ट रहती है 450, तो 450 प्लस मिनोक्सिडाइल का कॉस्ट आ जाता है इस पे भी, तो हो जाता है 750 rupees। इसके अलावा हम कैटेकेनोजोल शैम्पू यूज़ करते हैं जो अराउंड 200-250 के बीच पड़ता ही है, उसको भी लेते हैं मंथली, तो ये भी अगर थ्राइस अ वीक यूज़ करते हैं तो एक बॉटल ख़त्म हो ही जाती है, जिसकी कॉस्ट अपन हम अगर पकड़ते भी हैं तो 250 rupees पड़ता ही है पर मंथ। अब इसको भी ऐड कर लेते हैं 750 प्लस 250 में तो हो जाता है पूरा 1000। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या यूज़ करना चाहिए? अगर डर्मेटोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया है फिनेस्ट्राइड कोई सी भी, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द डर्मेटोलॉजिस्ट फिनेस्ट्राइड फिनपेशिया 1 mg ही प्रिस्क्राइब करते हैं, और जिसकी कॉस्ट बोला जाए 15 tablet की, 15 strip, एक स्ट्रिप में 15 tablets आते हैं, गोली आती है, जिसकी कॉस्ट रहती है अराउंड 110 rupees। अगर दो में एक महीना भी चलाते हैं तो 2 strip लगेगी जिसकी कॉस्ट रहेगी 220 rupees। इसको भी हमारे हेयर केयर एक्सपेंस में जोड़ा जाए तो कुल खर्चा आ जाता है 1220 का। ये अगर इतना एक्सपेंस आप बियर करेंगे फॉर 4 to 5 months तो 100% विदाउट एनी डाउट अगर हेयर फॉल आपका हो रहा है पिछले कुछ मैक्स टू मैक्स 4 साल तक ही बेबी हेयर्स मौजूद हैं तो फॉर श्योर आपको रिजल्ट मिलेगा ही, लेकिन पर मंथ का खर्चा यू नीड टू बियर दैट इज 1220 rupees। हाँ भाई लोग, आज का वीडियो इतना ही, छोटा बनाएं बेस्ट बनाएं, इसके लिए ही मैं आप लोग के साथ इतना ही वीडियो लेकर आया हूँ। हेयर केयर रूटीन का कॉस्ट इज गोइंग टू बी अप्रॉक्स 1220 rupees पर मंथ। मैं इतना कॉस्ट बियर कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 15.5 months। इम्प्रूवमेंट कितनी हुई है भाई लोग, आप देख सकते हैं टुडे कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है और कितनी ही नहीं हुई है। उसके लिए ही कुछ पुराने पिक्स फिर से मैं लेकर आया हूँ आप लोगों की खास फरमाइश में ही। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लोग शेयर क्यों नहीं करते, करें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।